कौमी असम्बली के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर बहस हुई। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, बिजली का बिल ना देने वाले चंद घरों की सज़ा पूरे इलाके को दी जाती है, बिल देने वाले भी लोड शेडिंग का शिकार हैं। बताया जाए सिस्टम कब ठीक होगा? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा, बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए 5 से 6 साल दरकार है, प्रीपेड मीटर लगाने के लिए $6 अरब दरकार है। एक फीडर में 22 से 23 PMTs हैं, जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। PMT वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, कि जिस PMT से बिल नहीं आ रहा या चोरी हो रही है, ये उस PMT को बंद करें, ना कि पूरे फीडर को बंद करें। जो बिल देने वाला है अगर वो भी 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करेगा, अगले महीने वो भी बिल नहीं देता, ये प्रीपेड मीटर पे क्यों नहीं जाते? आप कार्ड दें लोगों को, जिस जो बिजली नहीं दे रहा उसका अगर बिल नहीं है उसका उसकी बिजली बंद हो जाएगी। डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनकी तादाद 2.80 करोड़ है, और उसके लिए हमें कमोबेश 5 से 6 साल का दौरानिया चाहिए। ये सारी रिफॉर्म आंख झपकते में ये नहीं हो सकती, सारे मीटर्स चेंज होने हैं, उन मीटर्स के ऑर्डर्स होने हैं, उनकी सप्लाई, और जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट गोज अप टू 6 बिलियन USD। फीडर से निकाल के ट्रांसफार्मर्स पे जाना, ये काम इस पर सीरियसली शुरू किया जा रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर बहस हुई। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, बिजली का बिल ना देने वाले चंद घरों की सज़ा पूरे इलाके को दी जाती है, बिल देने वाले भी लोड शेडिंग का शिकार हैं। बताया जाए सिस्टम कब ठीक होगा? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा, बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए 5 से 6 साल दरकार है, प्रीपेड मीटर लगाने के लिए $6 अरब दरकार है। एक फीडर में 22 से 23 PMTs हैं, जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। PMT वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, कि जिस PMT से बिल नहीं आ रहा या चोरी हो रही है, ये उस PMT को बंद करें, ना कि पूरे फीडर को बंद करें। जो बिल देने वाला है अगर वो भी 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करेगा, अगले महीने वो भी बिल नहीं देता, ये प्रीपेड मीटर पे क्यों नहीं जाते? आप कार्ड दें लोगों को, जिस जो बिजली नहीं दे रहा उसका अगर बिल नहीं है उसका उसकी बिजली बंद हो जाएगी। डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनकी तादाद 2.80 करोड़ है, और उसके लिए हमें कमोबेश 5 से 6 साल का दौरानिया चाहिए। ये सारी रिफॉर्म आंख झपकते में ये नहीं हो सकती, सारे मीटर्स चेंज होने हैं, उन मीटर्स के ऑर्डर्स होने हैं, उनकी सप्लाई, और जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट गोज अप टू 6 बिलियन USD। फीडर से निकाल के ट्रांसफार्मर्स पे जाना, ये काम इस पर सीरियसली शुरू किया जा रहा है।